अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। मैं अभी आई थी छत पे, अपनी वर्क प्लेस पे एक नज़र मार थी। ये देखे क्या काम मैंने किया है कल। मैंने व्लॉग नहीं बनाया ना कोई वीडियो बनाई, क्योंकि मैं जब छत पे आती हूँ मेरा काम गंद गंद पड़ा हुआ देखते ना, तो मेरा किसी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो मैं अब जब आई छत पे, मैंने आके डर्ट्स बनाई, चार डर्ट्स टेक्सचर रेडी किए मैंने। और ये देखें, ये मैंने ऐसे बॉल्स बना दिए थे इनके। इस टेक्सचर में पानी डाला, मैंने कहा इसकी मैं ना चंक काट लूँगी ये येलो सैंड के, देखती हूँ कि ये हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है। आज इंशाल्लाह तला कोशिश करूँगी कि ये जो मेरा चारकोल टेक्सचर है ना, इसको मैं बाहर निकाल के ना, मैं इसको इसलिए नहीं बना रही है, मेरा इरादा है कि मैंने जो चारकोल रखा है उसको क्रश करके ऐड करने के बाद, या फिर पता क्यों इसको इस तरह से ऐड करूँगी कि इसको पहले मैं ड्राई करके इसकी क्रमलिंग कर लूँगी, फिर इसको जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा, फिर इसको सिफ्ट करके फिर इसके अंदर चारकोल जो है ना ऐड करूँ, ताकि इसका कलर जो है ना प्रॉपर ब्लैक आए। क्योंकि अगर मैं इसी में लुद दूँगी ना कोयला, तो मे बी वो उसका कलर फिर ग्रेश या उस टाइप का हो जाए। तो इसी लेजीपन की वजह से ना, अल्लाह धूप निकल रही है हल्की, हाय धूप को देख के तो जान आ जाती है। हाँ, और इनको तो दिन आए रोज इनको तकलीफ उठ रही है और ये टूटी जा रहे हैं। तो ये देखें, मैं डर्ट्स की ना वो बना के गई थी, ये पोलू बना के गई थी। ये देखें, ये एक ये डर्ट, एक ना क्या कहते हैं ग्रे डर्ट, सॉरी वो है सॉफ्ट डर्ट की हाफ शेप्स हैं, और नाइन डर्ट की हाफ शेप्स हैं। लगभग पता नहीं रहा कौन सी नाइन डर्ट है कौन सी सॉफ्ट डर्ट है, क्योंकि नाइन डर्ट वाला टेक्सचर जो है ना, जो मेरे सब डर्ट्स का मिलके बना हुआ है, उसका और सॉफ्ट डर्ट का ना सिमिलर ही टेक्सचर लगता है मेरे ख्याल से। क्योंकि यही मुझे लगता है कि लगता पता ही नहीं चलता कि वो दोनों कलर चेंज है। आज मैं इसको भी इसके अंदर भी ना पानी मिक्स करके इसकी शेप बना के चले जाऊँगी। अच्छा, ये देखें पीली डर्ट का हाल चेक करें, येलो डर्ट जो है उसका बिल्कुल पेस्ट फॉर्म हो गया था। तो मैंने फिर इसको बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करके बना कर गई थी। और अपनी जो मेरी मर्ड डर्ट है भाई, एक जुनैरा अदनान सब्सक्राइबर है मेरी, वेट अ मिनट, अच्छा एक जुनैरा अदनान है मेरी सब्सक्राइबर, वो मुझे बार बार कंटिन्यूसली हर रोज़ वो कंटिन्यूसली कमेंट करती हैं कि मर्ड डर्ट की शेविंग करें, वाटर में शेविंग करें प्लीज़। तो मैं आपको बताया था कि मेरा मर्ड का टेक्सचर बिल्कुल रेडी नहीं है, देखिए ड्राई नहीं है, फुल डैम्प है। तो मैं डर्ट्स के मेरे हाथ से मोस्टली सभी टेक्सचर जो है ना रेडी नहीं है, एक्सेप्ट ये दो के ब्लैक डर्ट और ये जो मेरा नाइन रेड क्वीन डर्ट वाले टेक्सचर के अलावा सब टेक्सचर डर्ट के ना गीले हैं, पेस्ट हैं। और इस वजह से मैं कोई वो रिक्वेस्ट नहीं पूरी कर सकती है। मे भी गर्मियों में जाके टेक्सचर ड्राई हो तो कर दूँ, अदरवाइज सर्दियों में तो चांसेस मुझे नहीं लगता है कि ये अब जल्दी ड्राई होंगी। तो अगर आप चाहती हैं ना कोई रिक्वेस्ट पूरी हो, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, ये क्विक मैंने आपके साथ शेयर किया वर्क प्लेस अपडेट को। और अब मैं एक वीडियो बना लूँ जल्दी से, और ग्रे क्ले की मिक्सिंग जो मैंने करनी थी वो ग्रे क्ले की मिक्सिंग शेयर करती हूँ आपके साथ, जो मैंने टेक्सचर क्रश करके रखा होता। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह ताला बाद में। अच्छा, मैं ना ये ग्रे डर्ट को ना इसकी भी शेप सुनना चाहती हूँ। तो इसके दो तीन डैम चंक्स पड़े हुए थे, मैंने कहा कि मैं ये क्रम्बल करके जो पानी ऊपर नजर आ रहा ना एक्स्ट्रा पेस्ट फॉर्म में ना, तो मैं इसको जब क्रम्बल करूँगी ना, तो ये सारा मॉइस्चर जो है ना ये जजब कर लेगा पाउडर इसका, और फिर मैं इसकी ना वो बाउल्स बना के, जैसे वो पेड़े बनाए ना लड्डू पेड़े जो भी टिक्कियाँ, और उस तरह बना के ना इसको रख दूँगी। तो मैं जल्दी से इसको क्रम्बल करती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये ग्रे डर्ट पड़ी है इधर, और मैंने इसको क्रम्बल एज इट इज़ ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये डैम्प में कर देती हूँ उसकी। ठीक है, ठंड कितनी है भाई साहब, इतना ड्राई है।
बट आप ये चीज़ देख लें, कहते हैं कि सर्दी से टेक्सचर डेट्स वाले हार्ड हो जाते हैं, ये आपके सामने है, ये इसी सर्दी में ड्राई हुआ है और ये डैम पे फुल। सही है, ना ग्रे क्ले के अंदर पानी मिला के इसका पेस्ट बनाते हैं। ऑल राइट, इसको छोड़ते हैं। मैं ना ग्रे क्ले का ना सेकंड पार्ट जो है ना वो रिकॉर्ड करने लगी हूँ, पोरी करके मिक्सिंग करके। इसको मिक्स कर लेते हैं जल्दी से। इस टाइम जो इसकी खुशबू आ रही है ना, कमाल खुशबू है। एक मुझसे पूछे थे आपने किधर से लिया ये, तो ये मैंने बाजार से परचेज की है, बाजार से जो आपकी एरियाज के बाजार होते हैं जहाँ से आप चीज़ें वगैरह परचेज करते हो, वहाँ पता करो आपको मिल जाएगी जो लोकल बाजार होती है। अब मैं इसको पानी में डाल के रख दूँगी क्योंकि ये भी मेल्ट नहीं हुआ होगी जल्दी, इसको टाइम लगेगा, और फिर मैं जब ये मेल्ट हो जाएगी मैं इसके अंदर सीमेंट ऐड करके रख दूँगी, बस और कुछ नहीं। ओए ओए क्या खुशबू है भाई साहब। चलो सही है, बस इतना सा काम था। चलो ऐसे जैसे ऑयली हाथ हो गए मेरे, ग्रीसी ग्रीसी। अच्छी मिक्स हो गई है, ये देखिए बिल्कुल मैश हो गई है, ठीक है। ये देखिए गजब है ना। चलो बस ये सीमेंट डालने लगी, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। ये देखिए ये मैंने पूरा ग्लास डाला, ये तेज वाला तो इसमें काफ़ी है। चलो भाई अब इसको मैं छोड़ रही हूँ, ये रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो फिर जब ये रेडी हो जाएगी तो इसकी वीडियो आ जाएगी खुद की। अभी तो बस मैं आपके साथ इतना ही शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मौसम में पता नहीं कब ये जाके ड्राई हो, फुल लिक्विड है तो इसको ड्राई होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, देखने का भी टेक्सचर देखने को मिलता है आपको। ये मर्ड वाला टेक्सचर पड़ा हुआ है जिसको मैंने कहा था कि मैं ना आपके साथ ही क्रम्बल क्रम्बल कैरी मिक्स करके इसके बॉल्स बनाने का ना वो शेयर कर दूंगी आपसे वैसे ही ब्लॉग के अंदर। हाँ तो ऐसे टूट सर्दी से दिल भी गाड़ा कुछ भी करने को, बट
मैं चाहती हूँ कि मैं अपना काम जो है ना जितना भी फिर करके जाऊँ। खट्टे अगर मैंने ज़्यादा पेस्ट वाला कर दिया तो अगर हो भी जाता तो मैं इसमें डैम्प मड डाल देती तो सच्चे सही है। जब इस पर पानी डलता है ना बड़ी ही ज़बरदस्त बदबू आती है। थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं, लिटल बिट है भी इतना ही था। ऐसे करना रेडी ऐसे ये डो हो जरा सा पानी और ऐड होगा बस मेरे पास थोड़ा सा पड़ा भी हुआ। देखिए ठीक है सर्दियों में ना ये ड्रेड्स जो होती है मिक्स करना बड़ा ही मुश्किल है। बनिस्मत गर्मी में क्योंकि सर्दियों में अपना ब्लड की जो एक सर्कुलेशन होती है वो मेरी भी स्लो ही होती है। एनीवेज नहीं कर दिया मिक्स जितना भी हो सकता था। थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी बस। सबसे ज़्यादा जो दर्द होती है हाथों की जो नेल्स होते हैं ना इसकी टिप्स में होते हैं कॉर्नर्स में पेन होती है बहुत। यार आप चैनल को वॉच करके वीडियो ऐसे ही चले जाते हो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? यानी कि अगर मेरे वीडियो पे 3000 वॉच मतलब व्यूज़ आए हैं लेकिन सब्सक्राइब मुझे कोई भी नहीं करता। मिक्स और हम इसके बॉल्स बना लेंगे। अब हम इसकी ना वो बना लेते हैं शेप्स। ये देखिए ऐसे ये देखिए हमने इसकी ना इसी तरह से ना सॉफ्ट सी बना के रख देनी है टिक्कियां।
पता है कि जब मैं बॉल ऐसा बनाऊंगी ना, तो जब मैं इसको रखूंगी ना ऐसे सरफेस पे, तो खुद ही ये उस शेप में आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं फर्स्ट इधर रख रही हूँ, तो इसको ऐसे करूँगी प्रेस, ये हो जाएगा। देखिए सही हो गया। जितने भी बनते हैं आपके सामने शेयर कर देती हूँ मैं। ये देखिए, अब स्टोव को अगर आप इस फॉर्म में बना लेते हो ना, आप कोई भी शेप तैयार कर सकते हो इसकी। ठीक है, मैंने आपके साथ ए टू जी डर्ट्स की शेप्स बनाने का, उसको चंक्स बनाने का, उसकी जितनी भी जो जो भी मैंने ट्राई किया हुआ है, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो जो मुझे शुरू से वॉच कर रहे हैं बहुत पहले से, उनको तो पता होगा कि मैंने कितना कुछ शेयर किया हुआ है डर्ट्स के रिलेटेड। क्योंकि अगर एक टेस्ट मैंने बनाना बताया आपको, तो मैंने उसको हर चीज़ आपके साथ शेयर की हुई है। इवन के हार्ड हो जाता तब क्या करें, शेप्स के अलावा चंक्स के अलावा कैसे बनाना है, स्लैब्स कैसे बनानी है। मैंने इवन के जो आप मेरे वाइट डर्ट का ट्यूटोरियल देखे, मैंने उसमें स्लैब्स बनाने का तरीका भी दिखाया हुआ है। तो जो जो न्यू सब्सक्राइबर आके कहते हैं कि ये दिखाएं ये बताएं, तो ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है डर्ट्स को लेके, तो आप लोग उस पर ट्राई जाके देख सकते हो। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो इतना मेरे पास जितना होता है टाइम, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और जो नई जिनको जल्दी चाहिए होती है चीज़ को देखनी है, जाके बैक हिस्ट्री में देखें, उनको वहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इस रिलेटेड मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। ठीक है, ये देखें, ये लास्ट था। तो भाई अब हम क्या करें, अब हम थोड़ी क्रिबलिंग करते हैं। ठीक है, डर्ट की करते हैं और फिर ब्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि इतना ऐसा ही मैं रिकॉर्ड करना है, इतना ज़्यादा नहीं। तो करते हैं आपसे फिर बाद में। ये देखिए जी, मैंने उसकी जो वो बनाई थी ना बॉल्स टाइप, वो मैंने इधर रख दिए। देखिए इस सब टेक्सचर्स में ना सबसे ज़्यादा प्यारी मुझे ये रेड डॉट लग रही है, सॉफ्ट रेड डॉट। कवलिंग करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, मैं टब ले हूँ ज़रा। मैंने कहा मैं आपके साथ ना जो न्यू वाली डॉट है ना, उसकी थोड़ी सिफ्टिंग शेयर करती हूँ, बाकी मैं आराम से कर लूँगी। करने में कुछ नहीं आती, कड़ कुछ लग जाती, क्या बोल रही हूँ। फिर क्रमलिंग करते हैं। छोटे बाल, फोम के टुकड़े, ऐसे क्या क्या गंद है। चलिए हम क्रमलिंग करते हैं।
पता नहीं मेरे सब्सक्राइबर हो कि मुझे आवाज़ें आ रही हैं, कह रहे हैं कि थोड़ी और सिफ्टी कर ले। क्या आप मुझे कह रहे हैं कि एक्टिंग थोड़ी और सिफ्टी कर ले? वैसे लगती हूँ तो मुझे फिर आवाज़ आती नहीं, थोड़ी सी और कर ले। इतनी से दिल नहीं बड़ा होगी। बस अब मैं ट्रेवलिंग करती हूँ, फिर ब्लॉग आई थी ना 30 मिनट है वीडियो बनाने के लिए, मुझे उसमें वीडियो भी बनानी है। सो ये है शेप पड़ी इसी टेक्सचर की, हम क्रम्बल करते हैं। कितनी सॉफ्ट है, मैं इसी एरिया में इसलिए कर रही हूँ ताकि दे देना गिरे और मैं शिफ्ट कर लूँ इसे। एक बार बनने के बाद दोबारा मैंने इसको पानी में क्रम्बल करके आपको दिखा रही हूँ, उसका रिज़ल्ट आप चेक कर ले। ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, चलो इसको शिफ्ट कर लें। ना ज़्यादा मैसी क्रम्बलिंग पसंद नहीं है, कुछ भी हो ये खुशी होती है कि मैं टब अपना क्लीन कर मैसी क्रम्बलिंग कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता कि क्रम्बलिंग कर लूँ या कुछ भी करूँ, मुझे मैसी काम करना इतना नहीं पसंद। अगर मैं करूँगी ना तो किसी की डिमांड पे ही करूँगी, खुद मेरा दिल नहीं करता, पता नहीं आप सबको ताकि पसंद है मैसेज कर दी तो मुझे नहीं। चल अब इस शेप को करते हैं, ठीक है ये देखे। ये डैम अंदर से आपको नज़र आ रहा है, और ये मुझे इसका टेक्सचर नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ये सॉफ्ट डर्ट है, क्योंकि सॉफ्ट डर्ट की जैसे इसका टेक्सचर है। मैंने जब भी क्रम्बल किया था ना वो तो इसी का था, लेकिन ये नहीं इसका लग रहा मुझे। ये सॉफ्ट डर्ट है, ये डर्ट नहीं है, क्योंकि इस डर्ट का टेक्सचर चेंज है थोड़ा। ज़बरदस्त है, मेरी कोई भी डर्ट हो उसकी क्रम्बलिंग बहुत मज़े की होती है, हाथों को ऐसे मज़ा आ जाता है क्रम्बल करके इन डर्ट्स को। इसको मैं निकाल देती हूँ फिर इसमें से, क्योंकि ये तो नहीं ना मैं अंदर ऐड कर सकती, मेरी न्यू डर्ट है तो मैं इसमें ये वाली डर्ट नहीं ऐड करूँगी। हालांकि ये भी सही है, सॉफ्ट है, ज़बरदस्त है, लेकिन इसका टेक्सचर का जो है ना वो टेक्सचर चेंज है, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा मुझे वो फील होता है जैसे थोड़ा सा क्रिस्पीनेस होती है। इवन कि ये जो डर्ट है ना इसमें थोड़ी सी लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट टेक्सचर होता है ना, तब जैसे हम सीमेंट फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश सीमेंट जो होता है हमारा, वो टेक्सचर टाइप इसका है ना। ये देखें मैं इसको पकड़ रही हूँ, इसका कुछ और फील आ रही है, और इसकी स्मूथ,
चलो मैं इसको रख देती हूँ क्योंकि मैं इसको नीच ऐड करूँगी इसमें, ठीक है। उस टेक्सचर को मैं रखा ही हूँ क्योंकि वो सॉफ्ट डर्ट का टेक्सचर था, मेरी न्यू डर्ट का नहीं। देखिए कि मेरी पॉली नीचे गिर गई थी तो मैंने अभी इसको हाथ में ही पहन लिया। भाई इसका कलर आपको ये नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ही सिमिलर हो जाएगा टेक्सचर, तो मैं इसको ना कलर चेंज करूँगी, कलर नहीं डालूँगी इसके अंदर, इसका कलर टेक्सचर्स के ज़रिए चेंज करूँगी, ठीक है। तो आपको भी इंतज़ार करना होगा कि मैं कौन से कलर की डर्ट बनाऊँगी, ये जब बनेंगे तब आपको सरप्राइज मिलेगा। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ हमेशा पॉजिटिविटी शेयर करूं, रात में सब आसानियाँ करें और आपको वो तमाम अता करें जो आप ख्वाहिश रखते हो, जो आपके दिल की आरजू है। अल्लाह सब के नेक नसीब करे जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, और मेरे तमाम चाहने वालों को, मुझे सपोर्ट करने वालों को बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। अभी बनाने जा रही हूँ मसाला नूडल्स। अभी मैं बूढ़े स्मार्ट के साथ बैठी हुई थी, उनका मैंने थोड़ी देर पहले वेजिटेबल चिकन नूडल्स बना के दिए थे, चिकन वेजिटेबल मिक्स। कैसे थे फातिमा? शू शू करना बंद करो, एक तो तुम लोगों की हर दफा मेरे ब्लॉग में शू शू क्यों स्टार्ट करते हो? क्या करें, हमारे बस में नहीं है। क्या मूड है अभी? अभी ना ये मुंह बंद कर ले, देख रहा हूं कड़ी जा रही घटिया लड़की। ये देखो मूड स्मार्ट मंगवाए, लॉटेड प्राइस मंगाए थे। देखे कौन कौन लॉटेड प्राइस का लवर, मैं तो भाई बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। बढ़ देना ऐसा का काम हो जाए तो अन्ना, तो क्या पाओगे भाई? ये बच्ची जूती पहले आवाज नहीं आ रही, ये रूढ़े पर उठी। अब कारी नाजरे ने कहते हैं ये बस मैं बस जैसे इतनी चलाक लड़की है, मैं नूडल बना के फ्री है, ब्लड की ओर है नूडल बना के फ्री हुई तो करती आलू की भुर्जी भी बना दोगी। मैं निकलो यहाँ से पतली गली से, तू भी पतली गली से भी निकाल सकते हैं हम तो। ये ना बस थोड़ी देर की बात है, मैं नहीं बनाऊंगी। तुमने क्या समझा मैं मुझे, मैं नहीं, मैं ही बस यही कुकिंग करके फौड़ी को दूसरे के बगे को चूल्हे के आगे बिठा दूं। बहुत अच्छी है ना, बस वक्त की तौर के लिए बोलती है, लेकिन मुंह बंद करो। इतनी मक्खन बाजियां करने की जरूरत थी मेरे साथ? मैं नहीं होगी काबू में तेरे, जानती थी तू मुझे। मैं अगर एक बात कर दूं कि नहीं करना, एक दफा जो हम कमिटमेंट कर देती है उसके बाद मुझे करनी पड़ती है। भाई नहीं बनानी मुझे भूली, कितनी बहुत तुम इस प्लान में खत्म हो जाएगी। चलो डाला तुम करो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। भाई मैं तो मैं बना सकती, तो तुम फिर इधर आएगी तो मैं सब कुछ। मैंने सारा मसाला बनाया, आलू बनाए, रोटियां बनाई, और क्या बनाऊ मैं? अब बताओ खा रही हूँ बस की बात नहीं है। बाद में घी किससे डालना है? पानी भी प्याज पकाना है? नहीं मैं कह रही इसको तो बनानी है तुमने। नहीं मैंने साफ इसमें से नूडल निकाल इतने अच्छे तरीके से, तुम इसी में ऑयल डाल लो। कितना अरे काट देना, तुम्हें काट दो ना। नहीं ना वो मुझे बस भूल जाती है बार बार, मैं यही डाल। चले भाई मुझे 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 कह रही मुझे स्मार्ट जाना कुकिंग कर रही है। हम मिलते हैं आपसे बाद में, मैं जरा लोडेड फ्राइज ठूस लूं। और भाई दिन हो या रात हो इसका यही चलता है सारा दिन। नहीं बेहिस के तुझे लिटर लगा दे रहा आशा, कैमरा ऑन कर लेते तो तेरा पुता वहा। हाँ जी हाँ जी भाई, बूढ़े समाड़ ने बहुत जान खाई है, यकीन करे बुर्जी बनाने से ऐसे पाए पका रही है ये लड़की। नहीं जल्दी उठ, चल जल्दी कर, बच्ची को हांडी बनाना ना बहुत ही लंबे का कट है। क्या कर रहा है? मसाला बना दो, आलू बना दो, पेड़ छोड़ू। मैंने तो तुम्हें साफ कर दिया था कि मैंने कोई मुर्जी नहीं पकानी है, मैं नूडल्स बनाऊंगी, यही बहुत भाव है।
मैं तुम्हें कहा था अनम बना दो, मैं तुम्हें चीजें बना दूँ, तो तुमने कहा ठीक है तुम बनाओ मैं आती हूँ अंदर, तुम बना के भी तो मैंने कोई नहीं, तुमने यकीन करे इस लड़की ने जबरदस्ती मेरे से ही सारा कुछ करवाने की कोशिश की है, पर मैं हूं कि मैं इसके हाथ में नहीं आई। मैंने कहा चल बना खुद, तूने स्टार्ट किया था खुद बना, यकीन माने इसने कहा कि चीजें बना दो मैं पापा बड़ी तुम झूठी हो, मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगी, तुम बड़ी गुस्सा चढ़ा रही हो तो और क्या, तुम बड़े झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोलती हो, तुमने सारी ड्रामेबाजी की, तुमने कहा मैं बना रहती हूँ, बस दुआ करे ना ये गैस पे नहीं बुर्जी मारी आज सपुर्दे क्या सपुर्दे हाँ कुछ क्या तुमको एक तो दाम कितनी बात कर निकल गया अस्तर लादा क्या तुम कुछ लाश तो बनाने जा रही हो सपुर्दे हाँ को जे ये देखो बूढ़े सुमार की बकवास सुने और इतनी में थक गई एक्साइटेड हो जाती है पास में लफज मेरे जो है नहीं पता चल रहे क्या मैं बाकी जगह भी हम कल मिलेंगे आपसे, मैं ये अभी बंद कर रही हूँ, बहुत ही जहरीली बात है फातवा ने यार, मैं इसके एक तो हेल्प करने के लिए साथ बैठी हुई हूँ और आपसे कहती हूँ अंदर तो मेरा जीना हराम कर दिया, मैं तो फंस गई हूँ, बुझी क्या मैंने क्या बुझी तुम बहुत गलत गलत लफ्ज इस्तेमाल करती हो बुझी, तुम तो कहती जुमरात में गई थी ना मैं, तो जुमरात से मैं इस्तेमाल लेके आई हूँ, काली आग छोड़ता कि हाथ हमारे काले हो जाते हैं, कहाँ काले हुए बहन, ये देखो इन्होंने ना गंदा दो नंबर गैस पड़ी हुई है फातिमा, दो नंबर गैस फातिमा ना हो गया टेप कैमरा ते नहीं आ रहा, नहीं आलू आज कल दो बज गए भाई, दो बजे तू खाई बैठ के।